जनपद कासगंज के जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जनपद बदायूं के बिलसी बिशौली विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शैलेंद्र का जोरदार स्वागत किया तथा मिठाई वितरित की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि हाईकमान ने सूची में मुझे प्रथम स्थान पर प्रत्याशी घोषित किया है। मैं पार्टी व राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह का आभारी हूँ और विश्वास को भी कायम रखूंगा। अध्यक्ष जी, जो पार्टी ने पहली सूची जारी की है जिसमें आपको प्रत्याशी घोषित किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं शैलेंद्र कुमार मिश्रा, जिला अध्यक्ष जनसत्ता दल कासगंज एवं प्रत्याशी 114 विधानसभा बिलसी बदायूं, तो पहली सूची जारी की है हमारी हाईकमान ने और उसमें कासगंज के जिलाध्यक्ष का नाम सूची में उन्होंने जारी किया है। उसके लिए मैं श्री रघुराज प्रताप और राजा भैया का और शीर्ष नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और बिलसी की जनता से ये आश्वासन दिलाता हूं कि एक विकास विधायक चाहे तो किस लेवल तक कर सकता है, यह मैं वहां करके दिखाऊंगा। यह बिलसी की जनता ने मौका दिया मुझे। तो देखिए, आज कासगंज में क्यों नहीं आपकी वो हुई थी? कासगंज से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें बिलसी पर लड़ने का मौका दिया है, वहीं से हमें आदेश प्राप्त है। हम तो कहीं से भी लड़ने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने वहां से भेजा है कि आप बिलसी पर जाइए। जैसा हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश है उसका हम पालन कर रहे हैं। क्या आपकी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन कर सकती है? यह तो शीर्ष नेतृत्व ही बताएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रघुराज प्रताप और राजा भैया ही बताएंगे। बाकी किसी भी पार्टी से हमारी पार्टी का गठबंधन, यदि हमारी नीतियों के साथ कोई पार्टी हमारे साथ आना चाहती है तो उसका हम स्वागत करते हैं। अभी तक तो कोई गठबंधन की कहीं चर्चा